तो चलो प्यारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन करने वाले हैं और मॉडर्न फिजिक्स पूरा करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप पढ़े होगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करता है, तो उसके ऑब्जर्वेशन में कौन सा चार स्टेटमेंट है और कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ओनली ऑन द वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को ई वी सी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट एनर्जी ई प्लस वर्क फंक्शन फाई लिख सकते हैं। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी सी, तो वो तो वर्क फंक्शन फाई और इंसिडेंट एनर्जी की पे डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ओनली अपॉन वर्क फंक्शन पे नहीं डिपेंड करता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो दूसरा, सेचुरेशन करंट इंक्रीज है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज। आप पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, तो इस मेटल के सरफेस पे पड़ने वाले जो लाइट है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन पड़ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट, वो फोटोन पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या जितना ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेचुरेशन करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी डालोगे, उतना नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जितना ज़्यादा फोटोन आएंगे भाई, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतना ज़्यादा आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इसका अगर आप ग्राफ देखे हो, तो आप ग्राफ बनाए होंगे सेचुरेट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ बनाए होंगे, या नंबर ऑफ फोटोन, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आया होगा। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, कि ये सच बात है। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करो जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी सी के इक्वल है, और एच न्यू फ्रीक्वेंसी और माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, और वो किस पे डिपेंड करती है भाई, काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी, तो ये भी गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं एक्सप्लेन हो सकता, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटली देखा आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब फोटॉन्स पड़ते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर आ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जबकि अगर वेव नेचर कंसीडर करते हो आप, तो ये इलेक्ट्रॉन को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप सवाल किए होंगे, तो ये वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा डिटेल मैं थियरी में डिस्कस करूँगा कभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस हिसाब से प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय।